माता रानी का मंदिर है। नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो शाम का टाइम है, अभी जा रही हूँ मैं, पास में ही मंदिर है तो भी माता रानी के मंदिर में जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। इतने दिन हो चुके हैं आए हुए पर अभी तक एक बार भी नहीं गई हूँ मैं यहाँ पर। लोग पहले आ रही तू कद आई थी? किसके साथ आई थी? वो छुट्टी इतने दिन 20 दिन हो गए पूरे, आज मौका लग गया है। माता रानी का मंदिर है और ये देख कितने पास में दिखा है घर। हनुमान जी का भी है और भोले का भी। माता रानी के दर्शन किए उसके बाद में फिर हम चल पड़े थे भी घर का जो रसोई का है वो एक दो सामान ख़त्म हो रखा था, तो ऐसे ही घूमते फिरते। वैसे थोड़ा सा लंबा रास्ता हो जाएगा पर घूमते फिरते हम लेके आ जाएंगे। आधा पौना घंटा लग गया था सामान लेके वापस आए, और सब्जी वगैरह मैं रेडी करके गई थी शाम के टाइम। यहाँ पर रख रखी मैंने मशीन, 9:15 का रात का टाइम हो गया, खाना पीना भी हो चुका है। और ये जो मैंने सूट कट करा था ये वाला, इसका करनी है अभी इंटरलॉक। ये इसका वो है ट्राउज़र जो सिल रखे पजामा, इसमें ये 3 लेयर में लगा रखी है लैस इस तरह से। और तुपाई कर ली है, मोटा बखिया है वो उधेड़ना भी बाकी है, तो पहले मैं इसका वो कर लूँ इंटरलॉक। इंटरलॉक पे कर ली सेट, तो भाई पहले इंटरलॉक करूँगी फिर दिखाऊंगी अपना सूट चुन्नी इसकी। तो अभी हो चुका है अगले दिन सुबह का टाइम, और यहाँ पे आने के बाद जो मेरा रूटीन था सोने का जगने का वो वाला बिल्कुल ही हिला डुला हुआ है। 1 महीना होने वाला है यहाँ पे शिफ्ट हुए, पर अभी तक प्रॉपर जो मेरा पहले वाला रूटीन था वो नहीं हो पाया है। पहले मेरा 10-11 बजे तक आराम से घर का जो काम था ये वाला साफ सफाई हो गया भी और खाना बनाना हो गया ये निपट जाया करता था। उसके बाद में मैं जो अपना भी कुछ क्राफ्ट का काम कर लेती, सिलाई का काम कर लेती, या फिर पौधे वगैरह जो थे उनका काम कर लेती। और यहाँ पे पता नहीं भाई क्या हो रखा है, काम फैला ही रहता है, टाइम मतलब कि फैला भी इतना ज़्यादा भी नहीं रहता। ये है कि भी टाइम बढ़ चुका है, जो काम मेरा 10-11 बजे के करीब होता था वो अब 1:30 बजे के करीब होता है जाके। तो भैया अभी मैंने बना लिया है खाना, आज हम जा रहे हैं गांव में, तो फटाफट से अपने लिए खाना बनाया। यहाँ पर पापा रहेंगे और हम तीनों जा रहे हैं, इशिका भी हमारे साथ में जाएगी, गांव में जा रहे हैं। और लंच अपना पैक कर लेते हैं, सुबह का जो नाश्ता है वो करके यहाँ पर चले जाएँगे, और उसके बाद में अपना लंच कर लेते भी पैक। तो फटाफट से जो गैस स्लैब है वो साफ कर दूंगी, उसके बाद नहा धो के पूजा करके और फिर चलेंगे हम गांव में। और वहां पे जाके देखते हैं भाई कैसा मौसम है, यहां पे तो हल्के हल्के बादल हो रखे हैं। और ये देखिए भाई रास्ते में हो रखी है बारिश, घर से निकले बूंदाबांदी थी, और कहीं पे बूंदाबांदी है, कहीं पर ज़ोरदार बारिश हो रही है, और कहीं पर बिल्कुल भी एक बूंद तक नहीं आई है।
के अभी गांव में अपने घर में हम 10:30 बजे का टाइम होगा और पहले खाएंगे खाना, उसके बाद में करेंगे साफ सफाई, जो जो सामान लेके जाना है सारा निकाल निकाल कर रख लेंगे। और ये भी लेके जाना है सेटअप बॉक्स, ये भी उतारना पड़ेगा, तो भी पहले पेट पूजा कर लेना उसके बाद में करेंगे। जरा भी नहीं पंखे रही है लाइट पे और जाले बन रहे हैं। 10 दिन पहले भी आई थी, उस दिन भी वीडियो बनाई थी पर मेरा फोन गुम हो गया 10 दिन पहले, 5 तारीख ने माउस वाले दिन आई थी जब। एक दो ये रजाई भी लेके जानी है, ये रख रखी यहाँ पे, इनमें तो रजाई ले लेंगे। यो तो सूख रहा है इतनी बार है, इसमें चिपचिप कोने उस कमरे में हो रही नमी सी। ये हैंगर भी लेके जाने के, पूरे हैंगर की कमी होगी। अरे जी फोटो दक्ष मांगा था, यू मैं आड़े छूट दी दक्ष दिया देना था, ये फोटो दक्ष लेके जा रहा था फिर वो सकल भूल जाएंगे। अरे रख ले सारा सामान, और ये भी लेके जाऊंगी मनी प्लांट की जो बोतल में लगा रखे है ना, ये भी यहाँ पे रखे हुए हैं, ये लेके जाऊंगी। हमारा लंच बॉक्स, चाय बाद में बनाऊंगे, पहले भी खाना खा ले बना भूख एक बार मर गई ना फिर रह जाऊंगे मुँह। सारे पंखे लाइट सारी जला कर रखनी पड़ेगी जब तक है, क्योंकि भी सोलर जो लाइट बना रहा है वो फिर यूज भी नहीं हो पा रही, बंद रहते रहते हैं। तो इसमें लेके आई थी भी तोरी की सब्जी और इसमें है दही, और दूसरे लंच बॉक्स में है रोटी। तो डाल लूं मैं पहले खाना, ये यहाँ पर बर्तन छोड़ रखे हैं, कुछ इसके अंदर भी रख रखे हैं, यहाँ पर ये रख रखे बर्तन वगैरह और भी। खाना पीना होने के बाद अब उठा लिए अपने अस्त्र शस्त्र, सफाई अभियान चालू होगा, भी झाड़ू पोछा करेंगे, जाले वगैरह बन रहे हैं वो उतारेंगे। 11 बजे का होगा टाइम, पहले वो कर लेंगे एक बार मैं। और अब चल रही थी भी सफाई, झाड़ू लगा दी है, जाले थे वो भी उतार दिए हैं, और कभी बादल हो रहे हैं, कभी इतनी भयानक वाली जो धूप है वो दिखाई दे रही है। उमस हो रखी है बहुत ज़्यादा, बारिश होने के बाद जब धूप निकल जाए तो भाई बस बुरा हाल हो जाता है, और ऊपर जो छत की सफाई करनी अभी बाकी है। तो भाई और वीडियो में देख के घर की इतनी याद आ है भाई, बहुत सारा लगा हो रखा है घर तय, और इतने सारे जो इमोशंस है वो हैं, यादें हैं, और वीडियो में देख के बस मेरे उसी टाइम पास निकलना लग जाओ जब मैं अपने घर ना देखूँ हूँ। बस घर की इतनी ज़्यादा याद आती रहे कि बस पूछो ही मत, सब लोग यहाँ पे है पर फिर भी और किसी चीज़ से इतना ज़्यादा लगाव नहीं था वहाँ पे, बस जो अपना घर है उससे ही इतना ज़्यादा लगाव रखा है। 12:30 बजे का टाइम, हालत बिल्कुल ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीने पसीने हो रहे हैं, बहुत गर्मी हो, ऊपर का भी छत सारी साफ कर दी है, कमरा था वो धो दिया है, तो नीचे का भी झाड़ू पोछा बाहर का भी सफाई सारी कर दी है, अब पसीने सुखा लें फिर उसके बाद में फिर नहाऊंगी। नीचा है ना एकदम अंधेरा अंधेरा सा लगा है, धूप हो रही है तेज, हल्की फुल्की फुहार थी जब आई, जब कहीं पर बारिश हो रही थी कहीं पर फुहार हो रही थी, और अब इतनी तेज़ धूप, और धूप निकलने के बाद तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। ऐसा हो गया चक्कर आएंगे गर्मी में काम करते करते, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। ईशिका भी आई हमारे साथ, वो बाहर है अभी। और अब हो गए 2:15 बजे का टाइम, और मैं चली बाहर अपनी पड़ोसनों के पास।
तभी उनके पास में चाय पी आऊंगी मैं। कई बार बुला ली चाय बना दे मैं। बंद कर वो सामने कर उसमें। और अब हो गया अभी शाम का टाइम 6:30 बजे का। जाने की यहाँ तक तैयारी कर ली है। जी साला अगर आके जाने का दिन नहीं करता। ये सारा सामान कर लिया है जो भी ये है कुछ इस साइड में है। पापा का टीवी है ये भी सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। दीप चालेंगे 6:30 बजे का टाइम हो गया। तो फटाफट एक दो चीज़ जो रह रही वो पैक कर भी फिर चलेंगे। और अभी पहुंच चुके हैं हम घर पे 8:05 हो गए हैं। और आते ही लगी हुई किचन में दूध उबालने के लिए रख दिया। अभी आपको बनाऊंगी कढ़ी उसके लिए प्याज कटकर लग रही। वैसे तो भाई सुबह के टाइम में दाल कढ़ी ये बनाई जा रहा है पर आज लस्सी लेके आए थे गांव में तो इसकी अलग से ही बनेगी। रेडी कर ली है सारी चीज़ें। अब बस छोक लगा दी एक बार फटाफट 8:30 बजे तक खाना रेडी कर दूंगी। और ये हो गया भाई छोक में हमारा रेडी कढ़ी के लिए। और इसमें गोल रेडी कर रखा है। मिक्सी में धनिया पाउडर पीस लिया है, हरी मिर्ची। और अब इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। और दूध मेरा गया निकल वीडियो के चक्कर में। और छोक भी जल जाओगा तो भी पहले इन्हें छोड़ कर पहला कर लो अपना रसोई का काम।